नमस्कार दृष्टि आई एस के टुडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं इसका सही जवाब है एम के स्टालिन अगला प्रश्न है रविन्द्र टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे दूसरा बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न है कल यूरोपीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। बताइए इस बैठक की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री करेंगे इसका सही जवाब है पुर्तगाल अगला प्रश्न है कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी सीईओ ने ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति को ज्वाइन किया है इसका सही जवाब है उपरुक्त सभी अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान में मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है इसका सही जवाब है महेश नगर अगला प्रश्न है हाल ही में जानी मानी शख्सियत पी एम रामचंद्रन का निधन हो गया बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में किससे था इसका सही जवाब है भारतीय वायुसेना अगला प्रश्न है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया इसका सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सेना ने सिविल अथॉरिटी की सहायता में समन्वय करने के लिए कोविड मैनेजमेंट सेल की स्थापना की है इसका सही जवाब है भारतीय सेना अगला प्रश्न है किस राज्य ने कोविड 19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन एक एक शून्य शून्य लॉन्च की इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश अंतिम प्रश्न है 2021 का लारेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है इसका सही जवाब है राफेल नडाल शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न चेस्ट एक्सरे से कोविड 19 की उपस्थिति को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलोग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है आई आई टी कानपुर डी या फिर आई आई इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डी हाल ही में डी ने संदिग्ध रोगियों में तेजी से कोविड 19 का निदान करने में मदद के लिए एक तकनीक विकसित की है इस तकनीक में चेस्ट एक्सरे से कोविड 19 की उपस्थिति को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलोग्रिथम का प्रयोग किया जाएगा इसे डी के साथ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी सी ने मिलकर बनाया है इस टूल को आत्मन ए नाम दिया गया है डेवलपर्स के अनुसार चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए आत्मन ए नाम का टूल छियानवे दशमलव सात तीन प्रतिशत की सटीकता दर दिखाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी डी आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट में इसका जवाब सही भेजा था जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है सात मई आठ मई नौ मई या फिर दस मई इसका सही जवाब ऑप्शन बी आठ मई विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को थैलेसीमिया पीड़ितों को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है थैलेसीमिया अनुवांशिक रक्त विकार है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को वहन करता है इसलिए थैलेसीमिया गंभीर एनीमिया थकान ग्रोथ की कमी का कारण बनता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर दो तीन सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आठ मई अगला प्रश्न है हाल ही में किसने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए आईडी आर्ट ऐप लॉन्च किया है वॉलमार्ट, अमेजन इंटरपोल या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ इसका सही जवाब ऑप्शन सी इंटरपोल इंटरपोल दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए आई डी आर्ट ऐप लॉन्च किया है आई डी आर्ट ऐप एंड्रॉइड या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह है नया उपकरण पुलिस अधिकारियों सांस्कृतिक विरासत पेशेवरों और हमारी आम विरासत की सुरक्षा के लिए आम जनता की क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी इंटरपोल अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक यानी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है यू खाद्य और कृषि संगठन सुरक्षा परिषद या फिर यूनेस्को इसका सही जवाब ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है खाद्य मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज तिलहन डेयरी उत्पाद मांस और चीनी के मूल्य में मासिक परिवर्तन को मापता है अप्रैल 2021 में खाद्य मूल्य सूचकांक 120.9 था मार्च 2021 में यह 118.9 नौ था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन अगला प्रश्न है माउंटेन बोंगो को आयु की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है वर्नरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न इसका सही जवाब ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड माउंटेन बोंगो को आई की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है माउंटेन बोंगो अफ्रीकी वन हिरणों में सबसे बड़ा एवं एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है जिसमें केवल सत्तर से 80 वयस्क बच्चे हैं। जानवर निशाचर होते हैं और इनके लंबे सींग होते हैं इनके शरीर पर सफेद या पीले रंग की धारियां होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सीनोफॉर्म कोविड 19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है जापान रूस दक्षिण कोरिया या फिर चीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की सीनोफॉर्म कोविड 19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है यह 18 साल और उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए है इसकी दो खुराक के बीच में तीन से चार सप्ताह का अंतराल होना चाहिए यह एक गैर पश्चिमी देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी का समर्थन प्राप्त पहला टीका है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी चीन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में महत्व आकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड या फिर पंजाब इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजस्थान राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक महत्व आकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत आने वाले पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र यानी पीसीपीआईआर के लिए कुछ बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं पीसीपीआईआर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी आर द्वारा विकसित किया जा रहा है इसकी क्षमता 9 बिलियन टन प्रतिवर्ष यानी एम बताई गई है पीसी पी में लगभग पंद्रह हजार करोड़ रुपए के निवेश को उत्प्रेरित करने की क्षमता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है उत्तराखंड केरल कर्नाटक या फिर तेलंगाना इसका सही जवाब ऑप्शन डी तेलंगाना हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशी है इसका उपयोग प्रमुख रूप से खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कपास के खेतों में किया जाता है विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लाइफोसेट के उपयोग से न केवल मृदा प्रदूषण होता है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है ग्लाइफोसेट को क्रोनिक किडनी रोगों यानी सी के डी के प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मिथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए तीस प्रतिशत पैंतालीस प्रतिशत पचपन प्रतिशत या फिर सत्तर प्रतिशत इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 45 प्रतिशत यूएन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की कटौती से ग्लोबल वार्मिंग में वर्ष 2045 तक शून्य दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को रोका जा सकता है गौरतलब है कि 1980 के दशक के बाद से वर्तमान में मानव निर्मित मिथेन उत्सर्जन किसी अन्य समय की तुलना में तेजी ऐसी बढ़ रहा है यह चिंता का कारण इसलिए भी है क्यूँकी मिथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है यह पूर्व औद्योगिक समय के बाद से लगभग 30 प्रतिशत वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी पैंतालीस प्रतिशत अगला प्रश्न है हाल ही में जारी क्यू एस विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है आई दिल्ली आई बॉम्बे आई बेंगलुरु या फिर आई मद्रास इसका सही जवाब ऑप्शन बी आई बॉम्बे आई बॉम्बे ने क्यू विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग एक है जो साल 2020 की रैंकिंग की तुलना में 20 स्थान पीछे है आई बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर है जिसकी विश्व रैंकिंग एक है आई दिल्ली ने एक वैश्विक रैंकिंग के साथ भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आई बॉम्बे अंतिम प्रश्न है किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है कामिरीता शेरपा तेंजिंग नार्गे एडमंड या फिर अरुणिमा सिन्हा इसका सही जवाब ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही रीता शेरपा ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है कामी रीता इक्यावन वर्ष के हैं और उन्होंने पहली बार उन्नीस में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और तब से लगभग हर साल वे एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं रीता ने विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे शिखरों जैसे के टू चो आयु मानस लू और लोत्से पर भी चढ़ाई की है कोरोना वायरस महामारी की वजह से एवरेस्ट चढ़ाई को पिछले साल इसके दक्षिणी हिस्से यानी नेपाल की तरफ से बंद कर दिया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की इस वर्ष वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम क्या रखी गई है फ्लाई लाइक बर्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड सिंह फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड सिंक फ्लाई सोर एक्सप्लोर द वर्ल्ड या फिर सिंह लाइक अ बर्ड इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड